अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड रिग्रेट। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग अमीनो एसिड्स की बायोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे। एक्चुअली अमीनो एसिड्स का पहला लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, उसके अंदर हम लोगों ने बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस कर ली है। ठीक है, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस हमारी पूरी कवर हो चुकी है पार्ट वन में, जो लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का अपलोडेड हो चुका है। आज हम लोग उसका कॉमन स्ट्रक्चर डी एंड एल अमीनो एसिड, उसके अलावा आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विद सम एक्सेप्शंस के साथ, और उसके अलावा हम लोग डी अमीनो एसिड की नेचुरली अकरिंग को जो है वो कवर करेंगे। सो हमारे पास जो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है वो कवर करेंगे इस लेक्चर में, कंप्लीट डिस्कस हो जाएंगे। अच्छा, अब है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बहुत ही बेसिक है। ठीक है, आप मेरा अगर लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू आप लोग जो है वो सुनेंगे तो उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड तो सेम ही रहता है। ठीक है, ऑल्दो मोर देन 300 डिफरेंट अमीनो एसिड हैव बीन डिस्क्राइब इन नेचर। देखो, लिपिन कॉर्ड में भी ये बात की गई है, और वैसे ये तो ये जर्नल कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी में, या फिर आप ये समझ लें कि नेचर में 300 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ओनली 20 आर कॉमनली फाउंड एज कंस्टिट्यूट ऑफ द मेमेलियन प्रोटीन, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं जिसमें सेमी एसेंशियल हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि मेमेलियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, मींस के ह्यूमन बींग्स में। ईच अमीनो एसिड हैज अ कार्बोक्साइल ग्रुप, अ प्राइमरी अमीनो ग्रुप एंड अ डिस्टिंक्टिव साइड चेन आर ग्रुप बाउंडेड टू द अल्फा कार्बन एटम। अमीनो एसिड्स का अगर कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सिंपल क्या होता है, कार्बन, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। ठीक है, एक प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, और आर चेन होती है बाउंडेड टू द अल्फा कार्बन। सो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए उसके स्ट्रक्चर की। लाइक ईच अमीनो एसिड हैज़ अ कार्बोक्साइल ग्रुप, अ प्राइमरी अमीनो ग्रुप एंड अ डिस्टिंक्टिव साइड चेन आर ग्रुप। ठीक है, बॉन्डेड टू दी अल्फा कार्बन एटम। आर ग्रुप होता है जो बेसिकली, ये आर ग्रुप जो होता है वो साइड चेन्स होती हैं, और यही साइड चेन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है हमारे पास, यही साइड चेन जो है वो बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज को शो करती है। हर अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे डिफरेंट है वो ये शो करेगी। देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बाद आ जाते हैं डी एन एल अमीनो। अब हम डी एन एल अमीनो एसिड्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि बेसिकली डी एन एल अमीनो एसिड्स हैं क्या। अमीनो एसिड्स दैट हैव एन एसिमेट्रिकल सेंटर एट द अल्फा कार्बन कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, डिजाइंस डी एन एल दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक्चुअली जो हमारे पास अल्फा कार्बन एटम है, ठीक है, जो कि हमारे पास चिरल कार्बन है, हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब इसकी एसिमेट्रिकी की वजह से ये एक मिरर इमेजेस बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो अपनी मिरर इमेजेस बनाते हैं, और उनके दो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे, दी टू फॉर्म्स इन ईच पेयर आर टर्म्स एज स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंट आयोमर्स हम लोग कहते हैं इनेंट आयोमर्स। बेसिकली ये जो मिरर इमेजेस बनाते हैं इनको हम लोग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, आइसोमर्स भी कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी करते हैं एंड एंट आइटोमर्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है, ऑल अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर ऑफ द एल कॉन्फिग्रेशन। सब अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो हमारे पास एल कॉन्फिग्रेशन के होते हैं। ऑल अमीनो एसिड्स शेयर द कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एल ग्रेसर एडिहाइड एंड थस आर डिफाइंड एज एल अमीनो एसिड्स। बेसिकली आप लोग बस इतना याद करें कि हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के अंदर जो बेसिकली हमें पाए जाते हैं वो सब प्रोटीन एल अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। एक्चुअली एल एंड डी अमीनो एसिड्स का मतलब होता है कि मींस के अमाइन ग्रुप की प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग अमीनो एसिड्स को अलग अलग नाम देते हैं। देखो, अगर आप लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मतलब इसमें ये होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें, देखो केमिकल फार्मूला तो हमारे पास सेम ही है लेकिन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो चेंज हो रहा है। केमिकल देखो फार्मूला सेम ही है लेकिन जो हमारे पास इसके कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस हुए हुए हैं। सो इस तरीके से ही अमीनो एसिड्स में होता है। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, इन डी अमीनो एसिड अमाइन ग्रुप इज ऑन द राइट हैंडेड व्हाइल इन एल अमीनो एसिड इज ओरिएंटेड टू द लेफ्ट। बस इतना डिफरेंस होता है कि हमारे पास जो अमाइन ग्रुप होता है वो डी अमीनो एसिड्स में कहाँ पे होता है, राइट साइड की तरफ होता है, लेकिन एल अमीनो एसिड्स में वो लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है, अगर आप मैं यहाँ पे डायग्राम देखो तो हमारे पास डी अमीनो एसिड्स में जो अमाइन ग्रुप है NH2 है वो हमारे पास कहाँ पे है, राइट साइड पे, और हमारे पास जो एल अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर कहाँ पे है,
लेफ्ट साइड पे. सो ये डिफरेंस होता है, ठीक है. और इन्हीं को हम लोग जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं. यही आइसोमेरिज्म्स की प्रॉपर्टीज होती हैं अमीनो एसिड्स की. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या मिरर इमेजेस हैं. सो बेसिकली डी अमीनो एसिड्स एंड एल अमीनो एसिड्स का सिर्फ यही डिफरेंस है. सो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि एल अमीनो एसिड का मतलब, एल अल्फा अमीनो एसिड का मतलब कि इसका अमाइन ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और डी अमीनो एसिड्स का मतलब इसका जो अमाइन ग्रुप है वो राइट साइड की तरफ होगा. अब कैसे याद होगा कि लेफ्ट एंड राइट. सो एल से देखो, एल से हमारे पास लेफ्ट आता है और एल अमीनो एसिड, इट मींस कि अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड की तरफ होगा. और डी अल्फा अमीनो एसिड्स का मतलब होगा कि वो अमाइन ग्रुप जो है वो हमारे पास कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा. सो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहलाते हैं, मिरर इमेजेस ऑफ अमीनो एसिड्स भी कहलाते हैं, और एंड आइटोमर्स भी कहलाते हैं. अब आगे चलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड. स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स अमीनो एसिड विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन द अल्फा कार्बन ऑफ एवरी अमीनो एसिड चिरल. अच्छा, वो ये क्या है कि हमारे पास सिर्फ ग्लाइसिन जो हमारे पास अमीनो एसिड है, उसके अलावा जो भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं उन तमाम का कार्बन जो है वो चिरल कार्बन होता है. चिरल कार्बन का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन एटम जिसके चार जो हमारे पास वैलेंसीज होती हैं वो डिफरेंट जो होती हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो फिल हुई हुई है. फॉर एग्जांपल, बॉन्ड जो है उनके डिफरेंट कंपाउंड्स हो. देखो हमारे पास ये सी है, इसके ऊपर जो है वो एक वैलेंसी आर साइड चेन फिल कर रहा है, दूसरी वैलेंसी को अमाइन ग्रुप फिल कर रहा है, तीसरी वैलेंसी को सिर्फ सिंगल एच ग्रुप जो है वो फिल कर रहा है, और चौथी को हमारे पास कौन से कार्बोक्सिल ग्रुप फिल कर रहा है. सो कार्बन के पास चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये वैलेंसीज चार डिफरेंट कंपाउंड्स ने फिल की हुई हैं, ठीक है. तो इसलिए इसे चिरल कहते हैं. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इज कॉमन टू ऑल बट वन ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन अ साइक्लिक अमीनो एसिड इज द एक्सेप्शन. जनरल जो होता है वो हमारे पास सब अमीनो एसिड्स का सेम स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ प्रोलीन असाइक्लिक अमीनो एसिड. सिर्फ प्रोलाइन जो होता है हमारे पास, उसका जो है अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट उसका ग्रुप होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी अमीनो एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है. अमीनो एसिड की चीज साइक्लिक अमीनो एसिड, बेसिकली सेकेंडरी अमीनो एसिड यूज़ किया जाता है, इसलिए प्रोलीन का स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है सिंपल अमीनो एसिड्स के कॉमन स्ट्रक्चर्स के, ठीक है. सो आप लोगों ने दो सिर्फ याद करनी है कि ग्लाइसिन के पास जो है वो चिरल कार्बन एटम नहीं होता, इसी तरीके से प्रोटीन जो होता है उसका जो अमाइन ग्रुप होता है वो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप की और आइसोमेरिज्म की आप लोगों के पता चल गया. उसके बाद डी एन एल अमाइनो एसिड्स, मतलब देखो इसमें क्या है कि ये आइसोमेरिज्म है क्या, सब कुछ सेम है, केमिकल फार्मूला हमारे पास, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है. स्ट्रक्चर मीन्स कि वो दो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, डी अमीनो एसिड्स में भी और एल अमीनो एसिड्स में भी. सो सिर्फ ये आइसोमेरिज्म में इसका फर्क है. सो डी एन एल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हो गया, डी एन एल अमीनो एसिड हो गया, आइसोमेरिज्म की पता चल गया. सिर्फ डी एन एल अमीनो एसिड में आपने क्या याद रखना कि अमाइन ग्रुप अगर लेफ्ट की तरफ है तो इस मीन्स कि वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, वो हमारे पास एल अमीनो एसिड्स हैं, और अगर राइट की तरफ थे तो वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास डी में हमारे पास कौन सा डी अमीनो एसिड जो होता है उसमें राइट की तरफ हमारे पास अमीनो ग्रुप होता है. स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास सिंपल सिर्फ दो चीज़ें याद करनी है कि ग्लाइसिन जो होता है वो हमारे पास उसमें चिरल कार्बन नहीं होता, मीन्स कि उसमें जो है वो सी जो है वो डिफरेंट वैलेंसी से सेम नहीं होगा, फिल नहीं होगा. और इस तरीके से प्रोलीन में क्या होगा, हमारे पास जो प्रोलीन अमीनो एसिड्स है उसके अंदर सेकेंडरी अमाइन ग्रुप जो होता है वो हमारे पास प्रोटीन के जो हमारे पास हमने पूरे प्रोटीन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कवर कर लिया कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोटीन अमीनो एसिड, जो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स थे उसमें हमने प्रोलीन का एक्सेप्शनल केस भी कर लिया. अब हम लोगों ने डी एन एल अमीनो एसिड जो कवर किया उसके बारे में आगे बताते हैं. डी अमीनो एसिड नेचुरली अकरिंग, सो हमारे पास जो डी अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो अकरिंग है उसको डिस्कस करेंगे. सो डी अमीनो एसिड दैट अकर नेचुरली इंक्लूड डी सीराइन एंड एस्पार्टिन इन ब्रेन टिश्यूज. मतलब हमारे पास जो डी सीराइन एंड जो हमारे पास एस्पार्टेट होता है ये हमारे पास कहाँ पे अमीनो एसिड होंगे, ये हमारे पास ब्रेन टिश्यू में होंगे. डी एलेलाइन एंड डी ग्लूटामिन इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इसी तरीके हमारे पास डी एलेलाइन एंड डी ग्लूटामेट अमीनो एसिड जो होंगे वो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. आप पढ़ के आ चुके होंगे ये बैक्टीरिया इंटरमीडिएट में कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिवाइडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स. तो ये हमारे पास क्या है कि ये वाले हमारे पास डी एलेलाइन एंड डी ग्लूटामेट जो होंगे सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होंगे. देन डी अमीनो एसिड इन सर्टेन पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फंजाई रेप्टाइल्स एंड अदर नॉन
मैमिलियन स्पीशीज. सो डी अमाइनो एसिड दूसरे पेप्टाइड्स एंटी और एंटीबायोटिक्स वगैरह में जो होंगे होते हैं, जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और फंजाई और रेप्टाइल से हमारे पास जो भी एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, हमारे पास डी अमाइनो एसिड्स होते हैं. बायसिलस सब्टल्स एक्सट्रेट डी मेथोनिन, डी टायरोसिन, डी ल्यूसिन्स एंड डी टिप्टोफिन, विब्रियो क्रोलिया इंटरकॉपरेट्स डी ल्यूसिन्स एंड डी मेथोनिन इनटू द पेप्टाइड कंपोनेंट्स ऑफ देयर पेप्टिडो ग्लाइकोकॉन लेयर. इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बैसिलस हो गया, या फिर हमारे पास जो बैसिलस सब टायर्स जो होगा, मतलब ये बैक्टीरिया की एक किस्म है, बैक्टीरिया की एक टाइप है, ये एक्सक्रीट करता है डी मिथोनिन, डी डायरोसिन, सो डी ल्यूसिन, डी ट्रिप्टोफिन, विब्रियो कोलरा इनकॉर्पोरेट डी ल्यूसिन एंड डी मिथोनिन. सो ये बैक्टीरिया की एक टाइप है जो कि इन तमाम वैराइटीज के अमाइनो एसिड्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है. तो ये नेचुरली अकरेंगे हमारे पास किसकी, डी अमाइनो एसिड्स, मतलब किन किन में हमारे पास डी अमाइनो एसिड पाया जाता है. सो कॉमन मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ब्रेन टिश्यू सेल्स के अंदर होता है, देन हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, ठीक है, उनके उसके बाद जो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोड्यूस करते हैं वहां से भी हमें डी अमाइनो एसिड मिलता है. इसके अलावा हमारे पास बैसिलस जो एक ग्रुप है, एक टाइप है बैक्टीरिया की, वहां से भी हमें डी मिथोनिन, डी ट्रिप्सोटिन, डी ल्यूसिन मिलता है. इसके अलावा विब्रियो कोलराई जो उसकी टाइप है, कैटेगरी है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है, उसमें से भी हमें डी ल्यूसिन, डी मेथोनिन मिलता है, जो कि ऑफ देयर पेप्टिडोग्लाइन लेयर, पेप्टिडोग्लाइकोकॉन लेयर जो हमारे पास मेन करैक्टर होता है बैक्टीरिया का. सो ये सब हमें वहाँ से मिलते हैं. सो आज हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कवर कर लिया आज के लेक्चर में, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने डी एन एल अमाइनो एसिड्स को जो है वो कवर कर लिया. देन हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री में लोगों ने कवर कर ली, पूरा डी एन डी की नेचुरली अक्रिंग कर ली हम लोगों ने, और आइसोमेरिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको भी क्लियर कर लिया. सो आई होप अब आप लोगों को आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, डी एन एल अमाइनो एसिड्स एंड डी अमाइनो एसिड नेचुरली कैसे अकर होते हैं, वो भी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है. अब हमारे पास जो पहला हम लोगों ने लेक्चर अमाइनो एसिड का जो है वो अपलोड किया, उसके अंदर हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड कवर कर ली. अब हम लोगों ने उसका कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड और कुछ एक्सेप्शन के साथ एंड डी एन एल अमाइनो एसिड्स और डी अमाइनो एसिड की जो नेचुरली अकरिंग है उसको कवर किया. सो इसी तरीके से आगे जो हमारा दूसरा लेक्चर अपलोड होगा उसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो टिल दैट अल हाफिज़ गाइज. अगर मेरी वीडियो लेक्चर आज का मेरा वीडियो लेक्चर जो है आप लोगों को पसंद आया हो, सही से आप लोग समझ गए हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो टिल दैट अल हाफिज़ गाइज.